हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। तो देखिए, हो गई है एक नए के दिन की शुरुआत और आप सबका एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में स्वागत है, न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आज मैं सीढ़ी की झाड़ू लगाने लगी थी। पहले किचन को साफ कर ली थी, मतलब गैस वैस सब पोंछने के बाद किचन की झाड़ू लगा ली थी। फिर यहाँ पे मैं सीढ़ी पे झाड़ू लगा, क्योंकि ना कल इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि पूरा सीढ़ी पे कचरा हो गया था। और जब कचरा हो जाता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहीं भी अगर घर का कोई भी कोना अगर गंदा होता है ना तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए ना थोड़ा कोने कोने का ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ की लगा ले रही थी अच्छे से झाड़ू और वहाँ पे मेरा पानी भी गर्म हो रहा है, क्योंकि ना ये सब काम करने के बाद फिर मैं भी नहा लूँगी। और ठंडे पानी से तो बिल्कुल भी हिम्मत होती नहीं है, क्योंकि अगर इस समय अगर फ्रिज भी होएगा ना तो वो भी फेल हो जाएगा इस मौसम के आगे। टंकी का इतना ज़्यादा ठंडा पानी होता है ना कि हाथ तो जैसे एकदम लाल हो जाता है, एकदम जैसे अकड़ टाइप का जाता है, इतना ठंडा पानी होता है टंकी का। लेकिन क्या करें, औरतों का काम यही है ना कि चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, या उनकी तबीयत ठीक है नहीं ठीक है, लेकिन दिन रात हमें काम में करना है। और काम हमें जैसे दिन रात काम करना है और मेहनत करनी है, दिन रात लगे रहना है इस घर के काम में। तो बस यही है, मेरे नहीं हर औरत की यही है रहती कि किसी भी हालात में रहे ना तो उन्हें घर का काम कभी भी नहीं छूटता है। तो बस यहाँ पे देखिए, सीढ़ी का सब जगह का झाड़ू लगाने के बाद फिर यहाँ पे चापाकल के पास ना सारा बर्तन रखा था, क्योंकि रात में सब खाना पीना खाते हैं ना तो फिर वहाँ ही बर्तन रख देते हैं, नज़दीक होता है। तो यार पता नहीं मेरी चप्पल में क्या चपक गई था, तो बस उसी को मैं निकालने लगी थी। और उसके बाद फिर देखिए, मैं लगा लूँगी आंगन की झाड़ू, और आंगन की भी झाड़ू लगा के ना, और आप लोग देखते होंगे कि धूल कितनी निकल रही, जो कि शाम को भी एक बार झाड़ू लगाती हूँ। और दोस्तों बस यही सब रहता है। और एक चीज़ और मैं कहूँगी कि परसों जो मैं अपना ब्लॉग डाली थी चैनल पे, तो उसमें जो मैं चूल्हा पे खाना बनाया था ना, तो उसमें मुझसे एक गलती हो गई, जो कि एक सिस्टर थी कहने लगी। और सच में गलती देखिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, कोई छोटी गलती नहीं थी। मैंने ना चूल्हे में बांस की लकड़ी लगा दी थी, जो कि हम सबको हिंदू धर्म में हम सब तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन उस समय मेरा दिमाग ही नहीं काम किया, क्योंकि उस समय ये था ना कि तुरंत गैस ख़त्म हो गई थी और मैं जा रही थी रोटी ही सेकने, और मम्मी का मन था बजड़ी की रोटी खाने का। तो फिर मैं कही चलो दो ही तीन रोटी बनानी है। एक तो ना हमारे यहाँ देखिए लकड़ी है नहीं, लकड़ी ईंधन की कोई भी सुविधा नहीं है, क्योंकि ना तो देखिए यहाँ पे बारी है ना बगीचा है, कोई चीज़ का ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लकड़ी ईंधन की। और फिर जब से हम लोग आए ना तो गैस यूज हो रहा है, तो गैस जब यूज होता है तो फिर लकड़ी ईंधन की भी देखिए हो जाता है घर में अपने आप। जब इंसान गाय वाय रखते हैं या कुछ भी, मतलब जैसे कुछ घरेलू उनके यहाँ उपजाऊ होता है, तो जिस वजह से हो जाता है घर का पुराने, और पहले का काफ़ी ढेर सारा रखा भी था लकड़ी ऊपरी पुराने घर में ना। तो फिर मैं दिवाली की सफाई में सब हटा दी थी, क्योंकि ना वो सारा इतना ख़राब हो रहा था, इतना मतलब लकड़ी से ज़्यादा वहाँ पे ना जो धूल होती, जो लकड़ी में घुन लग जाती हैं, जिस वजह से पूरा कमरा ख़राब होता, तो मैं हटा दी थी। तो जिस उस दिन जल्दी जल्दी में ना यहाँ पे तो था नहीं, तो मुझे वही बांस एक सड़ा हुआ पड़ा था छत पे, तो फिर मैं सोची चलो इसी से मैं दो रोटी मम्मी को सेक के दे देती हूँ। लेकिन बाद में जब सिस्टर ने कहा कि नहीं, और सच कहूँ ना तो सच में मैं ना पहले अगरबत्ती भी नहीं जलाती थी, क्योंकि अगरबत्ती भी सब कहते हैं कि बांस की लकड़ी होती है, जो सीख अगरबत्ती में यूज होती ना तो बांस की होती। तो मैं काफ़ी दिन तक अगरबत्ती नहीं जलाती थी, फिर मम्मी कहने लगी कि बिना अगरबत्ती के पूजा अच्छी नहीं लगती है ऐसे वैसे। तो मैं कही चलो अच्छा ठीक है, अगरबत्ती अगर भगवान जी के लिए है तो चलो। लेकिन उस दिन ना मेरे से सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, और अनजाने में ही सही, लेकिन गलती ना सच में मुझसे हो गई थी। तो यहाँ पे फिर देखिए, आप लोग से बात करते करते मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो सारा बर्तन वर्तन लगाने के बाद, और ये जो आलू मैं आज फिर से मूँगफली वाले आलू बनाए, आप लोग सोचते हैं दीदी आप कितना मूँगफली वाला आलू बनाती हो, तो ये मतलब ना मेरी जो भाभी हैं सालू, उन्हें बहुत पसंद था। कहीं दीदी आप कैसे बनाती हो, वहाँ पे 15 दिन थी, लेकिन 15 दिन सच पूछो ना एक भी दिन टाइम नहीं मिला कि मैं उन्हें बना के खिला दूँ। तो आज उन्हीं के लिए देखिए मैं पूरी रेसिपी एक बार दिखा दे रही हूँ। इसमें कोई भी मेहनत नहीं है, कोई भी झंझट नहीं है, बस मूँगफली को पीस लेना है, पहले भूज लेना है मूँगफली को। मूँगफली को भूजने के बाद आप उसमें हरी मिर्च, मूँगफली और हरा धनिया पीस ले। मेरे पास इस समय हरा धनिया नहीं था तो मैं नहीं पीसी थी। और उसके बाद देखिए इस तरह से मैं पूरा तैयार करी हूँ पीस के। और उसके बाद कढ़ाई में तेल ले ली, जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए ना तो उसमें बस टमाटर डाल दो, और टमाटर डालने के बाद उसमें जो सेंधा नमक होता है, काली मिर्च पीसी हुई, वो नमक डाल दो और उसे ढक दो ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। जब टमाटर अच्छे से गल जाता है तो उसके बाद जो मूँगफली मैं दरकच के रखी थी ना मिक्सर में,
तो इसे मैं डाल के इसे मिला के और फिर बाकी आलू जो उबाल के रखे रहते हैं ऐसे आप अपने हिसाब से छोटे बड़े पीस कर सकते हैं, तो बस इसे मिला लेना, उसे काफ़ी अच्छे से तेज़ आँच पे इसे भून लेना है ताकि हल्का हल्का ना कढ़ाई में लगने लग जाए। हल्का हल्का कढ़ाई में लग जाता है ना तो इसमें सोनपन आ जाता है और काफ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है। और ये वाले आलू ना मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। और आज ना मम्मी अपने मुँह से कहीं कि मैं पूछी मम्मी से कि मम्मी खाना क्या बनाऊँ, तो बस वो यही कहें कि मूँगफली वाला आलू ही बना दो। तो और उनको ना इसके साथ बजड़ी की रोटी मन था, तो वहाँ साथ ही साथ देखिए मेरी बजड़ी की रोटी भी बन रही, बस मम्मी भर के लिए मैं एक रोटी बनाई थी और यहाँ पे देखिए मेरे मूँगफली वाले आलू भी बन गए। और देख रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है। इस समय मेरे पास धनिया पत्ती नहीं था, आप लोग चाहे तो ऊपर से भी काट के डाल सकते हो और चाहे तो मैं तो अक्सर मूँगफली के साथ ही पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे अब चलिए मम्मी के लिए निकाल दे रही हूँ खाना। और खाना निकाल का ऐसे ना काफ़ी टाइम हो गया है, आज थोड़ा लेट भी हो गया था खाना वाना बनने में क्योंकि लाइट नहीं थी और आलू उबाली नहीं थी जिस वजह से थोड़ा लेट हो गया था। तो चलिए मम्मी के लिए खाना निकाल दे रही हूँ। खाना मैं उन्हें दे दे रही हूँ जो टमाटर की मैं मीठी चटनी बनाई थी वो है, बजड़ी की रोटी है और ये फ्राई आलू है और थोड़ा सा बथुआ का साग था कल का। तो बस मम्मी को देने के बाद फिर से देखिए मैं आ गई थी किचन में और जो भी चीज़ सामान सब खुला रखा था ना सब ढक के, और उसके बाद फिर देखिए आ गई थी मैं मम्मी को पानी देने के लिए। और धूप भी ना आज लुपा छिपी जैसे खेल रही है क्योंकि ना धूप निकल रही है फिर जा रही है इसी तरह से धूप। तो मम्मी यहाँ पे हल्की हल्की धूप आती है ना तो सोफा पे मम्मी यहाँ पे बैठ के खाना खाती हैं। बस देखिए यहाँ पे मम्मी बैठ गई थी खाना खाने के लिए और फिर मैं भी थोड़ा सा लेके बैठ गई थी मोबाइल। मैं जब मुझे काम होता ना मोबाइल बिल्कुल भी नहीं लेती, जब मेरा काम हो जाता ना तभी मैं मोबाइल हाथ में लेती हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे कि धूप किस तरह से आवाजाही लगाई है, इसी तरह से धूप कर रही थी। और अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है खाना खाने का। और आज से ना प्रिंसी की स्कूल तो खैर कल से ही खुल गई थी लेकिन कल उसे नहीं भेजी थी क्योंकि उसकी तबीयत नहीं ठीक थी तो इसलिए आज उसे स्कूल भेजी। लेकिन आज ना स्कूल तो गई है लेकिन ना स्कूल में बस गिने चुने 40 बच्चे आए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ ठंड पड़ रही है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंड पड़ रही है ना कि कोई बच्चे स्कूल नहीं, क्योंकि सुबह जिस समय बस आती है 7 बजे उस समय इतना कोहरा रहता है ना कि अगर कोई सामने भी खड़ा रहता तो दिखाई नहीं देता, इतना ज़्यादा कोहरा होता है। और उसके बाद फिर देखिए करीब 4 बजे की वीडियो है तो प्रिंसी स्कूल से आ गई थी ना तो सारा ड्रेस इसका इसी बेड पर ही पड़ा था, मैं इसका ड्रेस एक तरफ रख दूँ। और फिर मुझे ना थोड़ी सी ऊन की ज़रूरत थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि जब तक अभी कान्हा जी को मैं मंदिर में नहीं रखी हूँ तो मैं सोची जब तक उनका क्यों ना मैं एक दो स्वेटर ही बना लूँ क्योंकि मैं यूट्यूब पर देखी ना मुझे काफ़ी सरल लगा स्वेटर बनाना। तो चल रही मैं भी इसी तरह से। और ये कुरुस जो है ना ये कुरुस सही नहीं, इसकी कुरुस की जो नोक होती है ना अब मुझसे ना जैसे जो मोटी वाली कुरुस होती है मैं उससे बिल्कुल भी नहीं बनता, मैं जो धागे वाली कुरुस होती मैं उसी से हमेशा बनाती हूँ। तो बस वही सब देख रही थी। मेरे पास ऊन है और ना मुझे कुरुस की बिनाई मुझे काफी अच्छी आती है और एक सिस्टर थी तो कहीं वो अपने हाथ से बना के कान्हा जी को पहनाती हैं। तो चल रही हूँ मैं भी अपने हाथ से कोशिश करूंगी क्योंकि खैर बिनने तो मुझे आता है और मैं चल रही अपने हाथ से ही करूंगी कोशिश। और देखी ना मैं 2-3 वीडियो ऐसी देखी कि जिसमें मुझे बहुत कठिन नहीं लगा उतारना, नहीं बहुत कठिन नहीं लगा लेकिन देखिए इतनी मेरे पास ग्रीन है, ऑरेंज है, पिंक है, मतलब सारी ऊन है। अब चलिए आज तो नहीं, आज काफी समय हो गया है, अब कल इससे मैं कान्हा जी की ड्रेस बनाऊंगी और आप लोग को जरूर दिखाऊंगी मैं कान्हा जी की ड्रेस कैसे बनाई हूँ विंटर वाली। क्या नहीं अभी मैं नहीं छू रहा ना, अरे ये नहीं ये ट्राई कर लो। हाँ इसे पता होगी कब कब कितने बजे खाली जाऊंगी तो बनाऊंगी। बस वही मैं ऊन ढूंढ रही थी और ठंडी ना सच में 2 दिन से ठंडी हद से ज्यादा बढ़ गई है। बस ना उस देखने के बाद फिर देखिए अब चल रही हूँ इसको मैं कल बनाऊंगी कोशिश करूंगी अगर समय मिलेगा तो। ये तो ना बिल्कुल भी इतना छोटा दिन होता है ना दोस्तों समय बिल्कुल भी नहीं मिलता है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम के लिए समय भी निकाल सकूं, लेकिन कोशिश करूंगी क्योंकि ज़रूरत है मुझे। तो उसके बाद फिर देखिए करीब 6 बजे मैं आ गई थी किचन में
और आज बनाऊंगी मैं पत्ता गोभी की भुजिया रोटी, क्योंकि चावल आप लोग देख रहे हो कुकर, आज मैं ऐसे ही साफ ही चावल था ना, तो कोई भी आज चावल नहीं खाया था, तो कुकर ऐसे क्योंकि आलू मैं बना दी थी ना, तो बच्चे लोग आलू ही खा लिए थे एक एक प्लेट, और मुझे भी बहुत पसंद है तो मैं भी वही खा ली थी। तो रोटी भी है, करीब 5-6 रोटी भी बची है और चावल तो पूरा ही बचा है, तो इसकी भुजिया बना दूंगी। और भुजिया के साथ ना, जो पत्ता गोभी की भुजिया होती है, तो इसके साथ चावल बहुत टेस्टी आता है, मेरे यहाँ से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में देखिए तेल है, और बहुत ही सिंपली भुजिया बना दी मैं, जहाँ तक ना मैं मसाला बहुत कम यूज करती हूँ, मैं मसाला मतलब जहाँ तक कोशिश मेरी होती है कि मसाला ना ही यूज करूँ, क्योंकि ना आजकल मसाला बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई में तेल, मैं जीरा और हरी मिर्च का तड़का लगा दी थी, और उसको चटकने के बाद ना फिर मैं आलू डाल दी थी, बस एक ही आलू डाली थी, और उसी आलू में मैं मटर डाल दी थी, और मटर के हिसाब से उसमें नमक और हल्दी डाल दी थी, बस इसके सिवा मैं और कुछ भी नहीं डाली थी। तो उसके बाद फिर देखिए उसे करने के बाद फिर मैं इसमें टमाटर डाल दी थी, और टमाटर डालने के बाद इसे मैं ढक दूंगी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। तब तक टमाटर अच्छे से गल रहा था, मैं सोची आटा भी लगा के रख ही देती हूँ। रोटी तो खैर अभी नहीं बनाऊंगी, रोटी मैं गर्म ही बनाती हूँ, और अब तो प्रिंसी हो गई ना, तो प्रिंसी सबको खाना दे देती, मैं अपना रोटी सेकते रहती, तो प्रिंसी सबको खाना पीना खिला देती है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे से मेरा टमाटर गल गया था, तो मैं इसे एक दो बार बीच में चला दे रही थी, और तब तक मेरा आटा भी लग जा रहा था। चलिए फिर आप लोग को भी दिखाती हूँ, ये देखिए इसे बहुत ही सिंपली तरीके से, देखिए इस तरह से पूरा गल गया था टमाटर, और आलू भी थोड़ा अधकच्चा हो गया था। अब इसमें मैं डाल दूँगी पत्ता गोभी, और पत्ता गोभी डालने के बाद इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करके ना इसे मैं 2-3 बार ढक के पहले पकाऊंगी, जब पत्ता गोभी अच्छे से पक जाएगा तो फिर खोल के, क्योंकि पत्ता गोभी काफ़ी पानी छोड़ता है, तो इसके खोल के फ्राई करूँगी, काफ़ी अच्छी सी भुजिया एकदम तैयार हो जाती है। तो देखिए इसे कर ले रही हूँ, और दोस्तों इसके बाद ना फिर सारा बर्तन रह गया था, जो शाम का जो बर्तन होता है, तो बर्तन को भी धुली थी शाम को, तो ऐसे ही पड़ा था, कहीं से भी लगा देती हूँ। और उसके बाद फिर देखिए लाइट कट गई थी, तो फिर काफ़ी देर इंतज़ार करी, लाइट नहीं आई, तो सब मैं सबको खाना दे चुकी थी, सब खाना खा रहे थे, तो मैं सोची आप लोग को भुजिया दिखा दूँ कैसी बनी है, बस वही मैं आप लोग को दिखाने लगी थी भुजिया। और सब खाना पीना खा चुके हैं, बस मैं भर रह गई, मैं चलो पहले हाथ धो लूँगी, मेरे हाथ में आटा लगा है, हाथ धो के उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। तो ना मुझे लगा मैं जाऊँ आगे वाले कमरा में पूछूँ इनसे ना, जब कोई कहता है ना कि हाँ बहुत अच्छी बनी, तो फिर सुन के अच्छा लगता, तो फिर मैं चली गई आगे वाले कमरा में इनसे सबसे पूछने। और दोस्तों साथ ही चलिए अभी आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, प्यारा से कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय।